झारखंड सरकार भी तरक्की की राह पर तेजी से कदम बढ़ा रही है, लेकिन संपत्ति बेचकर नहीं बल्कि निवेश आकर्षित करने वाली नीतियां अपनाकर। मोदी सरकार झारखंड की नई औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति से बहुत कुछ सीख सकती है, जिसका उद्देश्य 1,00,000 करोड़ रुपए तक का निवेश आकर्षित करना और बीमार औद्योगिक इकाइयों को एक बार फिर जिंदगी देना है। आज दिल्ली में लॉन्च हुई JIIPP नीति का उद्देश्य है राज्य को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और निर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, 1,00,000 करोड़ का निवेश और 5,00,000 नौकरियों का। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए JMM कांग्रेस गठबंधन सरकार ने अत्याधुनिक 82 एकड़ हरित क्षेत्र परियोजना की स्थापना की है। नई निवेशक अनुकूल नीति कपड़ा, परिधान, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण, पर्यटन, स्वास्थ्य, IT और ITES, नवीकरणीय ऊर्जा, ब्रुअरीज और डिस्टिलरीज, स्टार्टअप के क्षेत्र में व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देने में मदद करेगी। झारखंड में निवेश नीति के तहत आगामी 5 वर्षों में राज्य में निवेश करने वालों को तमाम लाभ दिए जाएंगे, जिनमें राज्य सरकार के हिस्से की GST वापस करना, पंजीकरण, लाइसेंस आदि के शुल्क में छूट जैसी तमाम बातें शामिल हैं। व्यापार के अनुकूल नीति JIIPP महिलाओं और विशेष रूप से सक्षम निवेशकों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के उद्यमियों के लिए अतिरिक्त 5% प्रावधान के साथ एक व्यापक निवेश परियोजना सब्सिडी के रूप में 25 करोड़ रुपए तक का प्रोत्साहन भी दे रही है। हम एक राष्ट्र के रूप में तभी सफल हो सकते हैं जब हम अपने संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं, उत्पादन बढ़ाते हैं, विश्वास निर्मित वातावरण बनाने में मदद करते हैं। संपत्ति बेचना कभी भी एक विकल्प नहीं होना चाहिए, खासकर तब जब बात अपने घर या देश की हो।